मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पद अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्र की प्ररूप फोटो निर्वाचक नामावली 2024 का प्रकाशन सभी 64,523 मतदान केंद्रों एवं समस्त 230 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में किया गया है। उन्होंने नए मतदाताओं से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की भी अपील की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व के साथ एक बैठक आयोजित की गई और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो गई है उनसे अनुरोध किया कि वो अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं तथा अपनी ईपिक कार्ड प्राप्त करें। जो लोग 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं या पूरी कर चुके हैं वो सभी लोग मतदाता के रूप में अपने नाम को दर्ज कराने के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगे। ये या तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अगर ये ऑफलाइन आवेदन करना चाहेंगे तो मतदान केंद्र पर BLO उपलब्ध हैं 6 तारीख से 22 तारीख तक। ऑनलाइन आवेदन करने में भी BLO इनकी मदद करेंगे। कोई भी मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या जो वेबसाइट है voters.eci.gov.in इसके माध्यम से फॉर्म से भर के अपना नाम जुड़वाने की कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे हमारे युवा साथी जो 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 या 1 अक्टूबर 2024 को 18 साल के होने जा रहे हैं वो भी यदि चाहें एडवांस में अपना आवेदन BLO को दे सकते हैं या एडवांस में ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इनका नाम तभी जुड़ेगा जब जिस तारीख को ये 18 साल की आयु को प्राप्त करेंगे। इनको दोबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी लेकिन ये चाहे तो अग्रिम रूप से भी अपना आवेदन दे सकते हैं। प्राप्त आवेदनों का जो निराकरण है वो ERO के लेवल पे किया जाएगा जो SDM होते हैं नॉर्मली ERO और अंतिम सूची का जो प्रकाशन है वो 8 फरवरी को किया जाएगा। इस पूरी अवधि के दौरान नाम जोड़ने के आवेदन नाम हटाने के आवेदन या किसी को किसी प्रकार का संशोधन करना है यदि तो वो कार्रवाई फॉर्म 6, 7 या 8 के माध्यम से की जा सकती है। जिनके भी नाम जोड़े जाएंगे या जिनके नामों में कोई संशोधन होगा इन सभी लोगों को नया वोटर ID कार्ड स्पीड पोस्ट से बनके उनके निवास के पते पे जो एड्रेस वो अपने फॉर्म में देते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।